हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं शेयर कर रही हूँ लेडीज़ कार्डिगन का डिज़ाइन। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट पे डाल सकते हैं। 12 लाइंस का डिज़ाइन है और 9 फंदों का डिज़ाइन है। 9-9 फंदों पे मल्टीपल में आप फंदे डालिए, प्लस 2 कीजिए लास्ट में, तो आपका ये डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा, ये देखिए। और जहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी वो फर्स्ट लाइन होगी, जैसे आपको यहाँ से शुरू करना है। तो जब भी आप इसको डालेंगे, आप चाहें तो इसको बॉर्डर के बाद डाल सकते हैं या फिर आप इसको नीचे से ही डाल सकते हैं। जब आप इसका कार्डिगन या जैकेट बनाएंगे तो आप इसी तरीके से इसको डाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है और 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ मैं इसको। तो देखिए, अभी इस पर एक ही डिज़ाइन बना हुआ है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो इस पर दूसरा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो आप भी वैसे ही करेंगे जैसे मैं यहाँ से कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन से वैसे ही करना है इसको सीधी साइड से। तो देखिए, एक फंदा मैं ऐसे ही रखती हूँ साइड में, इसको उतारा, धागा अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे किया, 1 और 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों का ऐसे आगे से ऐसे करके 2 का 1 कर देना है ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब धागा आगे रहने देंगे और इस फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे। तो देखिए, यहाँ तक 2, 4, 6, 8 और ये 9, आपके 9 फंदे हो जाएंगे यहाँ तक। और फिर यहाँ से डिज़ाइन रिपीट होगा, तो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, 1 और 2, फिर इन 2 का ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे आगे से बुन के, ऐसे करके एक फंदा बनाएंगे इसका, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ रहने देंगे और ये एक फंदे पे जाली। तो यहाँ तक, इस जाली वाले फंदे तक आपके 9 फंदे हो रहे हैं। फिर यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा, रिपीट होगा, तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इन 2 का 2 का 1 करना है बुन के ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे और धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे जाली। पहली लाइन से आपको ऐसे ही करना है, शुरू की लाइन आपको ऐसी बनानी है सीधी साइड की, फिर धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, 2 फंदों का 1 ऐसे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा ऐसे रहने देंगे और एक फंदे पे ऐसे जाली डालेंगे और ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब जो ये 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, इसके बाद फिर आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है, डिज़ाइन को रिपीट करना है। अब उल्टी लाइन में 2 फंदे जो हमने उधर से उल्टे बनाए हैं वो सीधे आएंगे हर बार, जहाँ जहाँ पर आपने 2 फंदे उल्टे बनाए होंगे उनको सीधा बनाना है, और बाकी जितने आपको उल्टे दिखेंगे वो उल्टे बनाने हैं। तो 2 सीधे हो गए, 1, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 1, 2, 3 उल्टे, 2 सीधे, ये 2 सीधे ही बनेंगे हर हर लाइन में, और बाकी आपको जितने उल्टे फंदे दिखेंगे, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा ही बनाना है ऐसे करके, फिर 2 सीधे, 1, 2, 3 उल्टे, फिर 1, 2 सीधे, 1, 2 उल्टे, 1, 2 सीधे, 1, 2, 3 उल्टे, ऐसी ये पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। आपको जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही बनाते हुए जाना है, जाली वाले फंदे को भी उल्टा ही बनाना है। ये 3 उल्टे, 1, 2 सीधे, ये लास्ट का फंदा उल्टा। पलटेंगे, 2 लाइन हो गई हैं। अब देखिए तीसरी लाइन, एक फंदा उतारूंगी, फिर
दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, फिर धागा पीछे, एक फंदा बनाया और दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करके पहले एक फंदा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, एक इस ऐसे जाली डालनी है, फिर यहां से डिजाइन रिपीट होगा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा बनाया, इन दो का ऐसे एक बना दिया, इनको बुन के, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया और इसको भी सीधा बना दिया, तो वहां पे जाली आ गई, दो फंदे उल्टे, फिर रिपीट हो रहा है, तो फिर एक फंदा सीधा, इन दो को ऐसे बुन के दो का एक कर देना है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर ये इसको सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे जाली, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर इन दो को दो का एक करना है, दो फंदे उल्टे, फिर एक बुनना है सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक पे जाली और लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब उल्टी लाइन में जैसा दिखेगा आपको वैसे ही बनाना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, तो जो उधर के उल्टे फंदे हैं वो इधर से हर बार सीधे ही आएंगे, बाकी आपको जहां पे उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बनाना है। ये जैसे उल्टे दिख रहे हैं, एक दो और तीन, फिर दो सीधे, एक दो उल्टे, दो सीधे, एक दो तीन उल्टे, फिर दो सीधे, एक दो उल्टे, दो सीधे, ऐसी पूरी लाइन बनानी है आपको। जो उल्टा है वो उल्टा ही बनाना है और जो सीधा है उसको सीधा बनाना है, और जो जाली आ रही है उसको भी हमें उल्टा ही बनाना है, क्योंकि उधर से हमने वो सीधे फंदे पे जाली डाली है, तो ऐसी ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। देखिए चार लाइन हो गई हैं। आप देखिए पांचवी लाइन में एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टे फंदे हर बार उल्टे बनाने हैं, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे दो ही फंदे बचे हैं सीधे, तो इनको ऐसे बना के दो का एक कर देना है, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब दो फंदे सीधे बनाने हैं पहले, एक और दो, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे पे जाली डालनी है ऐसे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, डिजाइन रिपीट हो रहा है दो फंदों के बाद, तो ये फिर दो का एक करना है, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, फिर दो सीधे बनाने हैं पहले, ये जाली वाला जो फंदा है इसको सीधा बनाया और धागा अपनी तरफ करके इस सीधे फंदे पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर इन दोनों का, क्योंकि डिजाइन रिपीट हो रहा है तो इन दोनों का एक करना है, दो फंदों को हमेशा उल्टा ही बनाना है जहां पे हमने दो फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा बना के जाली डालनी है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर इन दो को दो का एक करना है, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे पहले सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदे पे जाली, तो दो फंदे, फिर लास्ट के उल्टे। अब उल्टी लाइन में जैसा दिखेगा आपको फंदा वैसे ही बनाना है हर बार, दो सीधे, फिर एक दो तीन और चार उल्टे आ रहे हैं, पूरी लाइन ऐसी फॉलो होगी। अब देखिए दो
एक दो, दो उल्टे फिर एक, दो सीधे फिर एक उल्टा फिर दो सीधे, पूरी लाइन ही आप ऐसी, पूरा जो पैटर्न है वो नौ फंदों का जो डिज़ाइन है वो पूरे स्वेटर पे ऐसे ही फॉलो होगा। जब भी आप कोई लाइन बनाते हैं तो जितने लाइन का डिज़ाइन, जितने फंदों का डिज़ाइन होता है आप उसको याद कर लीजिए, पूरे स्वेटर पे या पूरी लाइन पे वो वैसे ही फॉलो होता है, एक लाइन में सेम फॉलो होता है। तो देखिए ये मैंने दो फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे और ये चार फंदे उल्टे। तो ये पूरे में ऐसे ही जाएगा, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा आ रहा है, फिर दो फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर दो सीधे और ये लास्ट का उल्टा। तो देखिए मैंने यहां से शुरू किया था इस डिजाइन को, यहां से बनाना, ये इतना आधा बन गया है। अब आगे देखिए, एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये दो फंदे हमेशा उल्टे ही बनेंगे, एक और ये दो, फिर धागा पीछे किया, सॉरी धागा अपनी तरफ ही रहने देना है। अब ये यहाँ पे सिर्फ एक ही फंदा सीधा बचा है दो फंदे उल्टे के बाद, अब इस पे हम जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ ही रखा और इस पे ऐसे बुन लिया तो इस पे जाली आ गई। अब दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो को बनाएंगे पहले सीधा और इन दो को ऐसे बुन के एक कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा ऐसे ही रहने देंगे और इस फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे सीधे फंदे पे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो सीधे बनाए, इन दो को बुन के दो का एक कर लिया, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहने दिया, फिर इसको इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पहले दो फंदे सीधे बनाए और इन दो को ऐसे बुन के दो का एक कर लिया, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, ये फिर पैटर्न रिपीट होता जा रहा है दो फंदे उल्टे के बाद। तो धागा अपनी तरफ रहने दिया और ये सिंगल सीधे फंदे पे ऐसे जाली डालनी है, धागा आगे, फिर बीच में दो फंदे उल्टे हैं, फिर धागा उधर करके दो सीधे बनाए, फिर इन दो को ऐसे साथ में बुन के दो का एक कर लिया और दो फंदे उल्टे। उल्टी लाइन में जैसे दिख रहा होगा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो देखिए ये दो सीधे दिख रहे हैं, सीधे, एक दो तीन उल्टे हैं, फिर एक दो सीधे, एक और ये दो उल्टे, फिर एक दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, एक दो उल्टे, फिर दो सीधे, एक दो तीन उल्टे हैं, फिर पूरी लाइन ऐसी जाएगी। दो सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। आप पलट लेंगे। अब यहाँ से देखिए आप कैसे करना है इसको। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, एक दो फंदे हमेशा उल्टे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जाली डाली थी पहले, तो इस फंदे को बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डाल देंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे
दो फंदे उल्टे। अब यहाँ से हम फंदे कम करते हुए जा रहे हैं, तो पहले एक फंदा बनाया, इन दो का एक कर दिया ऐसे, धागा अपनी तरफ, एक, दो फंदे उल्टे, फिर से डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, तो एक फंदा बुना, धागा अपनी तरफ किया, इस पे जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक, दो उल्टे बनाए, फिर धागा पीछे किया, पहले एक सीधा बनाया और इन दो को ऐसे दो का एक कर लिया। फिर रिपीट करना है, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक बुना, धागा अपनी तरफ, फिर इसको सीधा बनाया, जाली आ गई, फिर धागा आगे, दो उल्टे, धागा पीछे, पहले एक सीधा बनाया और फिर इन दो को ऐसे दो का एक कर लिया। धागा आगे, दो उल्टे, फिर रिपीट, एक बुना, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली डाली, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, फिर धागा पीछे, पहले एक फंदा बुना, फिर दो को ऐसे दो का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे लास्ट के। तो ये ऐसा बनता हुआ जा रहा है, देखिए। अब पलट लेंगे, फिर उल्टे लाइन जैसे बताई है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, तो दो सीधे हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा उल्टी लाइन में सिर्फ, कि उधर से जो हमने उल्टे बनाए हैं उनको हम इधर से सीधा बना रहे हैं और बाकी को उल्टा बना रहे हैं। तो देखिए, दो सीधे बनाए, फिर दो उल्टे आ रहे हैं, फिर दो हमेशा सीधे ही आएंगे, जो हमने उधर से उल्टे बनाए हैं वो इधर से सीधे ही बनेंगे। बाकी आपको जैसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये उल्टे दिख रहे थे, उल्टे बना लिए, अब फिर सीधा दो, फिर अपनी तरफ किया, तो ये उल्टे दिख रहे हैं दो, फिर दो सीधे, तो ये दो सीधे ही आ रहे हैं हर बार। ये आपकी लाइन ऐसे बनती भी जाएगी, आपको दिख जाएगा कौन से सीधे फंदे हैं और कौन से उल्टे फंदे हैं। तो दो सीधे फंदों के बाद आपको जितने उल्टे दिखेंगे उनको उल्टा बनाना है। ऐसी ही आपकी उल्टी लाइन बन जाएगी, फिर दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, फिर दो उल्टे, दो सीधे, एक, दो, तीन उल्टे, दो सीधे, और ये एक फंदा लास्ट का उल्टा। अब पलट लेंगे इसको, अब देखिए इस लाइन में एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, अब दो फंदे सीधे, एक और दो, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे पे जाली। तो पहले हम इधर से फंदे कम कर रहे थे, इधर बढ़ा रहे थे, अब हमने इधर घटाने हैं, इधर बढ़ाने हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे दो, चार फंदे हो गए हैं, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, और उसके बाद फिर आपके पास दो फंदे सीधे बचे होंगे, इनको एक बना देना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके फिर यहाँ से रिपीट होगा, तो दो उल्टे बनेंगे, फिर दो सीधे बनेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली, एक, दो उल्टे, और इन दो को ऐसे सीधा बनाना है, और एक बना दिया इसका, फिर दो उल्टे, फिर धागा पीछे करके दो सीधे, एक पे जाली ऐसे, और फिर दो उल्टे, और ये इन दो को ऐसे बना के दो का एक कर देना है, फिर दो उल्टे, और ये दो सीधे, एक, दो, धागा अपनी तरफ करके इस पे जाली, फिर दो उल्टे, और धागा पीछे करके इनको ऐसे बुन के दो का एक कर देना है, लास्ट के दो फंदे उल्टे। ये 11वीं लाइन थी। अब इसके बाद वाली लाइन करके आपको एक से लेके 12 तक जितनी मैंने आपको लाइन बताई हैं वहाँ तक आपको रिपीट करते हुए जाना है, सेम टू सेम,
और आपका ये डिज़ाइन ऐसी बनेगा। अभी उल्टी लाइन मैंने जैसी बताई है जहाँ पे जो दिखेगा, उसके बाद फिर से आपको अब ये डिज़ाइन शुरू से जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो आपका इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा, ऐसे बहुत ही आसान डिज़ाइन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उल्टी लाइन करने के बाद आप जब सीधी लाइन में आप आएंगे तो आप देखेंगे दो फंदे उल्टे करने के बाद आपके पास चार फंदे यहाँ पे सीधे होंगे, तो आपको दो बुन के फिर दो का एक करना है और दो फिर उल्टे, और यहाँ पे अब आपको जाली डालनी है इस सिंगल फंदे पे। यहाँ पे आप बढ़ाते हुए जाएंगे, तो एक बार आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एक बार पहले आप यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, फिर जब आप यहाँ पे चार हो जाएंगे यहाँ पे फिर बढ़ाते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, तो ऐसे ही ये डिज़ाइन आपका बनता हुआ जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।